तो चल रहा है रेनी सीजन और आजकल सांपों का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अपने गार्डन में। मेरा तो वैसे भी गार्डन जो है वो जंगलों के आसपास ही है, तो यहाँ पे सांप बहुत आते हैं। तो इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप देख रहे हैं ट्रू गार्डनर डिमरी चैनल, मैं हूँ विनय डिमरी और ये वीडियो आप पूरे अंत तक देखें। मैं आपको सारे इसके कैसे आपके गार्डन में सांप ना आए उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो सांप है 90% सांप जो है वो अपने लिए खतरनाक नहीं होते हैं, वो उनके पास पॉइजन नहीं होता है। और जो 10% पॉइजन वाले सांप होते भी हैं वो भी हमसे दूर भागते हैं, वो इंसानों की बस्ती में आना भी नहीं चाहते और वो हमसे दूर भागते हैं। वो बात अलग है कि इंसानों ने उनकी जगह उनके वहाँ पे भी बस्ती बना ली है और उनको शिकार तो करना है, अन्य शिकार के लिए वो आते हैं। गर्मियों में और बारिश के टाइम पे उनको आना होता है इसलिए वो आते हैं। और वो जो 10% जो पॉइजन वाले सांप होते हैं उसमें 2 प्रजाति छोड़ के वो भी इंसानों को नहीं काटते हैं, कई बार आपकी बॉडी वहाँ पहुँच जाती है, उनको छू जाती है तभी वो काटते हैं। सिर्फ 2 तरह के ऐसे हैं जो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, वो भी नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उनके पास से भी जाएंगे तो काटने आ सकते हैं। तो लेकिन अब बात ये आ जाती है कि जो नॉर्मल हम जैसे नॉर्मल इंसान हैं हमें तो नहीं मालूम होता कौन सा जहरीला है और कौन सा नहीं है। तो हमें कम से कम ऐसा अपने गार्डन में रखना होता है कि सांप आपके गार्डन में आए ना। तो उसके लिए कुछ प्लांट है, स्नेक प्लांट है, लेमन ग्रास प्लांट है, ये इससे भी सांप नहीं आता है लेकिन पूरा श्योर नहीं होते इससे। एक मेरे पास ये केमिकल है, इसको बोलेंगे फॉरेट 10G। ये मैंने लॉकडाउन से पहले लिया था, मतलब 3-4 महीने पहले लिया था ये मैंने, तब ये 90 रुपीज़ KG है, अभी हो सकता है 10-20 रुपये बढ़ गया हो मुझे नहीं मालूम। तो ये 90 रुपये का 1 KG है। इसको आप अगर आप किसी भी केमिकल उसमें जाएंगे लेंगे तो इसको आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो है स्मेल बहुत ज़्यादा है पहले। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको यहाँ बच्चों से दूर रखना है, ये बहुत पॉइजन है, बच्चे दूर रखना है। अभी भी पूरी कोशिश करनी है कि कोई जानवर इसको खाने ले, उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आपको ऐसी जगह पर लगाना है, कोई जानवर छुए ना, बच्चे छुए ना, इसकी पोटली बनानी है और थोड़ा जमीन में गाड़ देना है। तो जैसे पाउडर डिब्बा है, आप सबसे अच्छा है आप पाउडर डिब्बे में डालें इसको, जैसे यूज पाउडर डिब्बा जो होता है ना आप उसमें डाल लें, इसमें स्मेल बहुत तकड़ी होती है। तो प्लीज़ मुंह में मास्क ज़रूर लगाएं और वैसे हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, मेरे पास नहीं अवेलेबल नहीं थे अभी, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि दस्ताने भी पहने अच्छा रहेगा। और नहीं वैसे मैंने नहीं पहने तो भी मेरे को कम से कम 5 बार हाथ धोना पड़ेगा, ये और ऐसे या फिर ऐसे 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 जो है आप पोटली मान लें। और ये जो ऐसे पाउडर का है इसमें ढक्कन लगा दें और जो है और इसको जो है आप ऐसे पोटली बना लें, ऐसे करके बांध लें इसको, ऐसे इससे बांध लें। और या फिर जो है इसके ऊपर आप कपड़ा लगा दें, कपड़ा लगा के यहाँ से बांध दें और घर के कोने में रख दें। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है क्योंकि इसमें कोई जानवर या बच्चा छू नहीं पाएगा। और उसका ये देखिए लगाते कैसे हैं। तो दोस्तों इसको जो है मेरे जाता सांप यहीं से क्रॉस करते हैं, पीछे का साइड है, पीछे का जंगल है ये मेरा, तो यहीं से क्रॉस करते हैं। तो हमें क्या करना है और कोई जानवर ना खाए इसको, और सांप भी इसको इसकी स्मेल से भाग जाएगा, इसमें जो स्मेल है ना उससे ये भाग जाएगा, वो भी इसको खाएगा लाएगा नहीं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो इसको जो है आप ऐसे लगा दें, ऐसे आप लगा दें तो यह है आपके समर और रेनी सीजन में बहुत काम आएगा। ये कम से कम 1 से 2 महीने अच्छा काम करता है, उसका इसकी स्मेल हट जाती है। तो फिर आपको चेंज करना होगा इसको, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग बात है। अगर बारिश ज़्यादा आ रही है तो पूरा वो बारिश आने के बाद फिर भी काम करेगा ये, लेकिन कई जगह ये ज़्यादा बारिश आ रही है तो 20 दिन ही काम करेगा, बारिश नहीं आ रही है तो वहाँ पर महीने भर से ऊपर काम करेगा, 1.5 महीना काम कर सकता है, ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर जो है आप जो है ऐसे ऐसे पोटली है, इस पोटली को जो है आप जो है यहाँ पे बांध दीजिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल कोशिश करना कि जो है आप जो है इसको फैलाए ना,
क्योंकि ये क्या है, अगर आप फैला देंगे तो आपके गार्डन में जो है तितली हो गई, बटरफ्लाई हो गई, मधुमक्खी, ये भी नहीं आएगी। ये बहुत खतरनाक केमिकल है, तो आप इसको बिल्कुल जो है फैलाएं ना, मतलब ऐसे करके छिड़क ना दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसे पोटली बना लें और ऐसे रख दें, आपके गार्डन में कोई सांप आ रहा होगा तो इसकी स्मेल से वो अपना रास्ता चेंज कर देगा। ऐसा मैंने देखा है कि इसको लगाने के बाद ज़्यादातर नहीं आते हैं वो। हाँ, तो दोस्तों आप जो हैं इसको थीमेट नाम से या फोरेट 10% CG करके बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, या फिर किसी और कंपनी का हो, किसी भी केमिकल दुकान में जाएंगे वो आपको बता देगा कि स्नेक्स के भगाने के लिए कौन सा आपको केमिकल यूज़ करना है। यहाँ पे महाराष्ट्र में ये वाला मिल जाता है आराम से, हो सकता है आपके वहाँ नाम अलग 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 कंपनी के अलग अलग नाम हो, तो वैसे आप ये 4-10% CG आप देख लें, इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजबल लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, इससे यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।